हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 021। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक वीडियो में कवर करता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, और आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यह है जो वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पार्ट वन है। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि नंबर्स को किन किन सब नंबर्स में या सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नंबर्स आखिर कितने तरीके के होते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि उन नंबर्स को सब नंबर्स में कैसे डिवाइड किया गया है, और उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस माइंड मैप से। ठीक है, इस माइंड मैप में आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कहाँ से नंबर का ओरिजिन हुआ, हमने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट हुआ, और किस ऑर्डर में नंबर्स जमे हुए हैं इस माइंड मैप में। ठीक है, तो देखो यार, अगर हम अपन पढ़ने की बताऊं या फिर आप खुद को रिलेट करना इसमें, तो आपको समझ आएगा कि आपने स्टार्टिंग से जब आपने पढ़ना सीखा था मैथमेटिक्स, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। आपको जब पढ़ाया गया था सबसे पहले नंबर सिस्टम, या फिर कह लो मैथमेटिक्स आपको जब सबसे पहले पढ़ाया गया था, तो आपने काउंटिंग सीखी थी। उसमें क्या पढ़ा था, 1 2 3 4, ये सभी। तो अगर हम उनको नंबर सिस्टम में देखें तो वो चीजें आएंगी नेचुरल नंबर्स में। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा कि काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ये बहुत ही नीचे है। अगर इस माइंड मैप में देखोगे आप, इस टेबल में कह लो देखोगे, तो आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर रियल नंबर है, फिर रेशनल इंटीजर, उसके बाद कहीं आता है नेचुरल नंबर। तो अगर हम लर्निंग प्रोसेस में देखें तो छोटे डिब्बों में से बड़े डिब्बे की तरफ जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में पढ़ते पढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम हमारी क्लासेस इंक्रीज होती जाती है, हम ऊपर इन नंबर्स को और अच्छे से पढ़ते जाते हैं, और नए नए नंबर से हमारा इंट्रोडक्शन होता जाता है ना। और अगर हम इस ग्राफ की बात देखें या फिर इस माइंड मैप की बात देखें, तो इसमें क्या दर्शाया गया है कि उन नंबर्स को पहले दर्शाया गया जो हम सबसे लेट पढ़ते हैं, और उन नंबर को सबसे लास्ट में दर्शाया गया जो उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जब स्टार्टिंग की थी तो काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर से की। उसके बाद जब आप 10 के पास आए, 10 तक आपने सीखा, तब उसके बाद आपको पता चला कि 0 जैसा भी कुछ होता है और वो एक अपने आप में अलग नंबर है। फिर आप कुछ ईयर्स तक यही पढ़ते रहे नेचुरल नंबर्स और 0 को। उसके बाद आपने पढ़े होंगे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के बारे में जाना होगा। उसके बाद आपने इन तीनों कैटेगरीज को पढ़ने के बाद आपने सीखा होगा इंटीजर्स, है ना, और इंटीजर के बाद सीखा होगा आपने फ्रैक्शंस। और इन सभी नंबर्स को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि रेशनल नंबर जैसा भी कुछ होता है, और इसके बाद देखा होगा इरेशनल, एंड इसके बाद आप देखोगे रियल नंबर्स, है ना, और इसके बाद देखोगे आप इमेजिनरी नंबर्स, और इन सब को पढ़ने के बाद आप देखोगे एट लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 12th क्लास में आता है। तो सोचो आप नर्सरी से स्टार्ट करते हो, आपको नर्सरी में नेचुरल नंबर से इंट्रोडक्शन होता है आपका, नेचुरल नंबर से सीखते सीखते आप ऊपर की तरफ जाते हो। अब इस वीडियो को कौन सी क्लास का स्टूडेंट देख रहा है ये तो मुझे नहीं पता। आप अपने हिसाब से इस वीडियो में रिलेट करना कि आप अभी कहाँ हो और आपने कितनी चीजें पढ़ ली हैं और आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब इन्हीं सभी नंबर सिस्टम को, जो ये आपको ये डिब्बे दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये अपने आप में एक नंबर सिस्टम है, इनके सब पार्ट्स भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलो इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे आखिर दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उस चीज को। तो ये देखो, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो आप इसको एक यूनिवर्स की तरह कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा तो ये सबसे बड़ा डिब्बा है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। उसके बाद आप देखो तो ये ग्रीन जो डिब्बा है उसके अंदर दो और डिब्बे दिख रहे होंगे आपको। तो ग्रीन डिब्बे के अंदर दो डिब्बे कौन से, ये रेड वाला या फिर कह लो मरून, तो ये मरून है, और ये आपको लाइट ग्रीन या ब्लू जो दिख रहा है जिसपे ये पॉइंटर है अभी, तो इसके अंदर दो तरीके के डिब्बे आते हैं। अब अगर इस ब्लू डिब्बे के अंदर देखा जाए तो और कोई डिब्बा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बस इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पर अगर हम इस डिब्बे के अंदर आए जो ये मरून डिब्बा है, तो इसके अंदर देखो फिर से दो डिब्बे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, और अब इस ग्रीन वाले डिब्बे को देखो तो इसके अंदर और कोई फर्दर डिब्बा नहीं है। अब इस बड़े ग्रीन डिब्बे को देखो, ग्रीन डिब्बे के अंदर फिर से दो डिब्बे हैं ये पर्पल कलर के, और अगर इस पर्पल कलर को देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर और कोई डिब्बा नहीं है, पर इस वाले जो बड़ा पर्पल कलर का डिब्बा है उसके अंदर फिर से दो ग्रीन डिब्बे हैं, और इसमें जो ग्रीन डिब्बा है छोटा वाला उसमें कोई और डिब्बा नहीं है। पर अगर आप फिर से इस ग्रीन डिब्बे को देखते हो जो कि बड़ा वाला है, तो आप देखोगे कि इसमें दो डिब्बे और हैं छोटे छोटे। आप मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखो तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो अब आप कंफ्यूज मत होना इस इतने बड़े डिब्बों के सिस्टम्स को देख के, आप बस इसको कंसीडर करो अपने यूनिवर्स से। अगर आप यूनिवर्स में देखोगे तो सबसे बड़ा हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर होती है गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर होता है सोलार सिस्टम, फिर उसके अंदर होता है प्लानिटरी सिस्टम, फिर प्लैनेट्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, एनिमल्स प्लांट्स है ना, और फिर एनिमल्स में भी होते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ ह्यूमंस होते हैं। तो उसी तरीके से नंबर सिस्टम का यूनिवर्स है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, आप इमेजिन करके देखो कि मैथ कितनी ब्यूटीफुल चीज है। आप उसको जब इमेजिन करोगे रियल लाइफ में से को रिलेट करोगे चीजों को, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो अब आपको मैं उस तरीके से समझाता हूँ जिस तरीके से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी पढ़ाई, मैथ्स की पढ़ाई की, तो हमने नेचुरल नंबर से देखा था। अब मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंटर पे ध्यान दो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, नर्सरी या फर्स्ट क्लास में, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, काउंटिंग नंबर्स, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था जीरो से। ठीक है, जीरो तो हमें पता है, ये जीरो एक एक नंबर है, जीरो जैसे 1 2 3 है वैसे ही। अब अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें, नेचुरल नंबर और जीरो को, तो वो जो ग्रुप बनेगा उसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। मतलब होल नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो है ना, तो वो जो नंबर सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। और होल नंबर के आपने बाद पढ़ा होगा नेगेटिव नंबर्स। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स जिनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और जीरो, इन तीनों डिब्बों को मिला देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम बन के आता है या कैटेगरी बन के आती है, उसको हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या कंसिस्ट करता है, 0 2 -3 या फिर कुछ और भी नंबर हो सकता है, 4 5 -4 -8 कुछ भी। ठीक है, तो आप इंटीजर समझो कि इंटीजर में जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है। ठीक है, मतलब ये तीन तरीके के नंबर इंटीजर के अंदर आ सकते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर ही आएंगे। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, ये जो ग्रीन कलर का डिब्बा है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। और नेचुरल नंबर तो मैंने बता ही दिया, इनको पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं और जीरो तो जीरो है ही। तो अभी तक हमने इंटीजर्स के बारे में देख लिया, आपको ये चीजें समझने का कोशिश करना है। ठीक है, आपको जरूर नहीं कि सारी चीजें अभी इस बॉक्स में या फिर इस पिक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएं। इन चीजों को अभी अपन जनरलाइज देख रहे हैं एक ही पिक्चर में, इसको हम अलग अलग सेपरेटली भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा था इसके और पार्ट्स भी हैं। तो आप चिंता मत करो, आपको सब अच्छे समझ में आएगा। अभी आपके माइंड में मैं बस एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर कितने तरीके के नंबर्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है। तो ठीक है, इंटीजर तक आई होप समझ गए हो गए आप। तो अब रेशनल नंबर की बात करूं, तो रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। तो इंटीजर आपने देख लिए, और फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है वो किसी चीज के इक्वल पार्ट्स बता रहे होते हैं, जैसे 5/7, तो 7 के 5 पार्ट्स, -2/9, तो ये सारे फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इंटीजर, ये इंटीजर हो गए और ये फ्रैक्शन, तो इन दोनों डिब्बों को मिलाकर क्या बना, रेशनल नंबर। ठीक है, तो सोचो रेशनल नंबर जिसको आपने अभी तक पढ़ लिया है, अगर आप 10th या 9th के बच्चे हो, तो आप समझो कि रेशनल नंबर जो होता है वो कितना बड़ा है अपने आप में। और अगर अभी आप छोटे क्लास के बच्चे, तो आप ये समझो कि आपको आगे क्या क्या चीजें और पढ़नी है। ठीक है, तो अगर हम अब रेशनल नंबर से ऊपर चलें, तो रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जैसे कि रेशनल नंबर्स में ये चीजें थी, वैसे इरेशनल नंबर में ये सारी चीजें होती हैं। ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, ये जो पाई, पाई आपने सुना होगा, अगर आपने सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हो, तो पाई आर है ना, ऐसे पाई आर स्क्वायर, या फिर कोई और भी फॉर्मूला जिसमें पाई आता हो, तो पाई एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल है। ठीक है, और आपने अगर 11th 12th के बच्चे हो, तो आपने ये देखा होगा एक ई होता है, एक्सपोनेंशियल के लिए ई यूज होता है, तो उसकी ये वैल्यू है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। अब इरेशनल और रेशनल नंबर को जो साथ में अगर हम रख दें, तो जो नंबर सिस्टम बनेगा उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब होता है वह नंबर्स जिसमें कि फ्रैक्शन भी आ जाएगा, जिसमें कि नेगेटिव रूट वाले भी आ जाएंगे, पॉजिटिव रूट वाले भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, और अपने पॉजिटिव नंबर्स और जीरो भी, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। पर फिर भी अभी इसके अंदर सारी चीजें नहीं आई, क्योंकि इसके बाद भी एक और चीज है, दो डिब्बे और हैं, एक तो ये बड़ा यूनिवर्स सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और एक इमेजिनरी नंबर्स का। तो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि क्या है, पर अभी तक आप इतना समझ लो कि अगर हम यहाँ तक देखें इसमें, तो सबसे बड़ा है रियल नंबर्स। रियल नंबर कंसिस्ट करता है इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर किसको कंसिस्ट करते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन को। और इंटीजर किसको कंसिस्ट करता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, या फिर कह लो होल नंबर्स। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। रियल नंबर्स के बराबर का जो डिब्बा है वो है इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर क्या है, अब देखो आपको ये आई जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, तो ये इसका नाम है आयोटा। ठीक
ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो जिस भी नंबर के साथ में आयोटा लिखा रहता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब आपको मैं यहाँ फिर से बोलूंगा कि अगर आप किसी छोटी क्लास के बच्चे हो, थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, अगर आपको आयोटा के बारे में नहीं पता है तो आप बस सीखने की कोशिश करो, आगे मैं इन चीजों को डिटेल में बताऊंगा तो आपको वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर होता है तो वो भी इमेजिनरी नंबर है। आपने अगर अभी तक पढ़ा हो तो रूट के अंदर कभी निगेटिव नंबर नहीं पढ़ा होगा। अगर आप 10th क्लास के नीचे के बच्चे हो तो आपने रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो वो इमेजिनरी नंबर है। अगर 4 आयोटा दिख रहा है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो आई होप कि आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि वह नंबर जिसमें आयोटा साथ में हो तो वह नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो भी इमेजिनरी नंबर होगा। अब अगर हम सबसे बड़े डिब्बे की बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिब्बा है, तो यह डिब्बा या फिर यह नंबर सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह दोनों तरीके के नंबर्स को अपने अंदर समाहित करके रखता है, रियल नंबर्स को भी और इमेजिनरी नंबर्स को भी। मतलब रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर हैं वो भी इसमें आ जाएंगे और इमेजिनरी में जो भी नंबर्स थे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वह कैसा होता है, वह ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, ए जो पार्ट होगा उसमें रियल नंबर होगा और बी आयोटा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। मतलब रियल प्लस इमेजिनरी दोनों नंबर को साथ में लिखोगे तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के नंबर आ सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब 0 आयोटा का कोई मतलब नहीं है, 0 आयोटा का मतलब कुछ नहीं है, बस लिखा है 0 आयोटा मतलब कुछ नहीं। तो ये 0 आयोटा लिख लो, 2 प्लस 0 आयोटा लिख लो या फिर सिर्फ 2 लिख लो, एक ही बात है। सिमिलरली 5 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा। अब 0 प्लस 5 आयोटा लिख लो या 5 आयोटा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। रूट के अंदर के नंबर भी जो नेगेटिव है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्स है जिसमें हर तरीके का नंबर आएगा। तो आई होप कि आपको ये नंबर सिस्टम की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हर नंबर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए इसमें रख इंक्लूड की हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ना सीखा था, तो हम उसी ऑर्डर में सीखेंगे इस नंबर सिस्टम को भी जैसे जैसे हम पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर सिस्टम जो है नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। ये तरीका है उसको डिनोट करने का, सिंबल है एन से उसको डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। तो इसकी डेफिनेशन है द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो काउंटिंग नंबर्स जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना नेचुरली तो उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि हैं 1, 2, 3, 4। अब इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब होल नंबर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो वो सभी नंबर्स जो कि काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर उसमें हम 0 भी ऐड कर दें, ठीक है, तो वह हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम W का सेट बनाएं या W का डिब्बा देखें तो उसमें क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और टिल ये अपना इनफाइनाइट तक चला जाएगा काउंट होते हुए पॉजिटिव साइड। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट का मतलब है पॉजिटिव साइड इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स को वैसे तो किसी से डिनोट नहीं करते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है नेगेटिव इंटीजर्स, तो अब इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है, तो नेगेटिव है इसलिए माइनस का जेड, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, दी नंबर्स विच आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। अब देखो यार, यहाँ पे जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि जो आपको बुक्स में मिले, ये वो लैंग्वेज है जिसमें आप समझ सको। मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको एग्जाम में इन चीज़ों को लिखना है तो आप एक बार बुक में जरूर देख लेना कि क्या है डेफिनेशन सही, ठीक है, सही शब्द कौन से हैं। यहाँ वो शब्दों का यूज़ किया गया जो आपको समझाने में इजीली हेल्प करें। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, वह इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। तो जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर देखें तो क्या है, 1, 2, 3, 4, तो इनके अपोजिट क्या होंगे, अपोजिट मतलब साइन साइन के हिसाब से अपोजिट। तो 1 का अपोजिट -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, प्लस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आई होप कि आपको नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स समझ में आ गए होंगे। अब आपको डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर शब्द क्यों यूज़ किया, नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं किया। तो देखो नेगेटिव नंबर्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो उसमें सभी चीज़ें आ जाती, माइनस मतलब नेगेटिव के जो फ्रैक्शनल नंबर हैं, नेगेटिव के जो डेसिमल नंबर्स हैं वो सभी आ जाते। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें डेसिमल इंक्लूडेड नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो ये सीधे सीधे नंबर होते हैं इंटीजर्स उन्हीं के लिए है ये चीज़, ठीक है। तो
तो -1 -2 -3 -4 ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डब्ल्यू एंड नेगेटिव जेड, ठीक है। तो मतलब इन तीनों नंबर सिस्टम को या फिर इन तीनों कैटेगरीज को अगर आप कंबाइंड कर देते हो और आप एक जगह रख देते हो तो हम उन नंबर्स को कहेंगे इंटीजर्स। मतलब इंटीजर वह डिब्बा है या फिर वह नंबर सिस्टम है नंबर्स का जिसमें कि पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी आता है ना, और उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। और इंटीजर को डिनोट किया जाता है आई से या फिर जेड से, ठीक है। तो अगर हम ये आई का डिब्बा देखें तो इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ये जो स्लाइड है इसमें इंटीजर की बात की गई है, इंटीजर मतलब एन डब्ल्यू एंड -z का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप कि आज की जो वीडियो में आपको पिक्चर समझाई गई थी वो आपको क्लियर हुई होगी, आपको जो माइंड में बताया गया था नंबर सिस्टम का वो आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको इंटीजर के बारे में समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार बस इतना ही, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में इस वीडियो के, तब तक के लिए चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय।